भारत जोड़ो यात्रा वो यात्रा साबित हुई है जहां हर व्यक्ति को खुलकर बोलने की आजादी मिली। ये वो यात्रा थी जहां लोग बेबाक अपने मन की बातों को राहुल से बयां कर रहे थे। इसी आजादी के माहौल को महसूस करने और राहुल के संकल्प को बारीकी से समझने मशहूर संगीतकार रब्बी शेरगिल यात्रा में शामिल होने चले आए। रब्बी यात्रा में शामिल होने और राहुल से बातें करने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्हें मौका मिला और राहुल गांधी से तमाम मुद्दों पर इत्मीनान से बातें की। जब रब्बी से भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तीर्थ यात्रा है। मेरे मन में बहुत उत्सुकता थी कि मैं जाके देखूं वाकई में माहौल कैसा है, मौका मिले तो राहुल जी से मिल के देखूं उनके क्या विचार हैं, वो इस यात्रा के ऊपर निकले। भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़ा उद्यम है और हम देख रहे हैं कि इसके साथ लोग जुड़ रहे हैं और एक किस्म की ये एक तीर्थ यात्रा की शक्ल ले रहा है। रब्बी ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव के बारे में पूछा तो राहुल ने कहा, जब लोगों ने इस यात्रा में शामिल होकर दिल खोलकर बातें की, अपनी जिंदगी के अनुभव को साझा किया तो बेहद खुशी मिली। राहुल गांधी ने भी जनता के मुद्दों को संजीदगी से सुनकर उनकी परेशानियों को हल करने का वादा किया। तो उनका कहना था कि वो इन अनुभव से बहुत से लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। कहते हैं तरह तरह के लोग आ रहे हैं, ये एक जरिया भी जिसके अंदर सच निकल आता है। तो उन्होंने कहा इस तरह के बड़े सच मेरे सामने व्यक्त किए गए, मुझे यूं लगा कि वो हिंदुस्तान की रूह को समझना चाहते हैं। तो मुझे ये मालूम चला कि वो हर मुद्दे के ऊपर एक अपनी सही राय रखते हैं। और एक बात जो उन्होंने कही कि वो जानना चाहते हैं एक भारतीय का सोचने का तरीका क्या होना। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से बातें करके रब्बी ने खुद को और राहुल को भारतीय इतिहास, रूहानियत, सूफियाना और भक्ति की मानसिकता के बहुत करीब पाया। राहुल गांधी से मिलकर रब्बी ने जाना कि एक दूसरे को समझना कितना जरूरी है। भारत जोड़ो यात्रा ने देश की जनता के दिलों में मोहब्बत के दिए रोशन कर दिए हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे बहुत से विषय हैं जिनके अंदर हम दोनों की रुचि है, वो भारत का इतिहास है, रूहानियत है, वो सूफियाना है, वो भक्ति है। कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई और कुछ बातें मुझे कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए मैं यही कहूँगा कि हमें एक दूसरे के दर्शन को समझना चाहिए। भारत जो है इसके अंदर इतनी तरह की मुख्तलिफ राय हैं, हमें अच्छा होगा हमारे लिए भी कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें।